हाय दोस्तों, सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पालंग पनीर की रेसिपी। पहले पालंग के पत्ते अच्छे से धोकर साफ कर ले। फिर पालंग के पत्ते गर्म पानी में 2 से 3 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट बाद इसे निकल कर ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि पालंग के पत्ते ज्यादा ना पके। अभी पालंग के पत्ते के साथ ग्रीन चिली पीस लेंगे। आप इसमें अदरक लहसुन दे सकते हैं, हम पहले से पीस के रखा है। अभी कढ़ाई में 1 चम्मच घी देके उसमें पनीर के टुकड़े देके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप कच्चे पनीर भी यूज कर सकती है, उसमें भी अच्छे लगते हैं। मुझे ये वाला अच्छा लगता है, इसलिए हम थोड़ा फ्राई कर ले रहे। अभी थोड़ा नमक दे दिया। आप कढ़ाई में रिफाइन ऑयल देके उसमें गोटा जीरे दे देंगे, कटा हुआ प्याज के टुकड़े दे देंगे, प्याज के टुकड़े के साथ ग्रीन चिली भी दे देंगे। अभी अच्छे से प्याज को भूनेंगे। प्याज और ग्रीन चिली अच्छे से भूनना हो गया। अभी इसमें हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। अभी सब एक साथ अच्छे से भून लेंगे। अभी गोल्डन कलर होने तक इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें टमाटर के टुकड़े ऐड कर रहे, थोड़ा सा नमक दे रहे ताकि टमाटर जल्दी पक जाए। अभी इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर देके फिर से अच्छे से मिला लेंगे। मसाला एकदम तैयार है। अभी पालंग के पेस्ट इसमें डाल के अच्छे से मसाले के साथ मिला लेंगे। अभी इसमें पनीर के टुकड़े डाल देंगे और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार। आप अच्छे से मिलाकर 5-6 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5-6 मिनट बाद एकदम तैयार है आज की रेसिपी पालंग पनीर। बहुत ही आसान एक रेसिपी है। तो फ्रेंड, आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।